नमस्कार, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। इस माह कवरेज में कोशी आलोक के संवाददाता हर क्षेत्र में मौजूद होकर हर मतदान केंद्र में जाकर लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वोट डालना कितना जरूरी है। अररिया से हमारे साथ मौजूद थे संजय कुमार, फारबिसगंज से थे गोविंद कुमार, सहरसा और सुपौल से थे हमारे साथ आनंद किशोर और सुमित कुमार और रॉकी, जिन्होंने तमाम खबरें हम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश की। खासकर इस चुनाव में नए युवक ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मतदान किया। झमाझम बारिश और कहीं गर्मी की तपिश और लोगों ने लाइन में लगकर अपने पारी का इंतजार किया और वोट डाला। देश को गढ़ने में वोट डालना कितना जरूरी है वो साफ तौर पर इस भीड़ में लोगों से अंदाजा मिलता है। अब हम सीधे चलेंगे मधेपुरा और दो अलग अलग प्रत्याशी जिन्होंने मतदान केंद्र में वोट डालने के बाद क्या कहा, आइए हम जानते हैं। जो 16% वोट दे रहे हैं, जाके महिलाओं से पूछे जो हर घर में बेटा समझता है पप्पू यादव को, जाके उनसे पूछिए ना, जो आजादी चाहता है गरीबों की, जो चाहता है हसियाना हो दिल्ली में पटना में, जो चाहता हमारी बात करे, 24 घंटे में हमारे साथ रहे, छोटी छोटी जीवन के सरकार के साथ खड़े हो, जो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके काम। तो आपने सुना कि दो अलग अलग पार्टियां जिन्होंने मतदान केंद्र पे वोट डाला और वोट डालने के बाद लोगों से अपील की कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालना कितना जरूरी है, और युवाओं में जोश तो देखने को ही बन रहा था। युवा, खासकर युवतियां वोट डालने के बाद हमारे कोशी आलोक पर बता रही थी कि वोट डालना कितना जरूरी है और उन्हें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और किस तरह देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं और कितना वोट डालना और एक एक वोट डालना कितना कीमती है, ये जाहिर होता है। पहली बार वोट डालना है। हाँ जी, हाँ जी, कि जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग होगा उनको देना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन बहुत बड़ी चीज है, वो बदलाव ला सकता है, तो इसलिए ना कीमती वोट किसी को दिए अपना सरकार बनाने के लिए। वोट लोगों को क्यों डालना ही चाहिए? क्योंकि मुझे सही है सरकार मिले, इसलिए अपना चयन करे, अपना चयन करे। लोकतंत्र का इस महापर्व में एक एक वोट का भविष्य निर्धारण में महत्व रखता है, इसीलिए इस वोट को गिराने के लिए अब हम सीधे चलेंगे सुपौल। और जब मतदान खत्म होता है उसके बाद सुपौल के जिला पदाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान क्या जानकारी दी, आइए हम जानते हैं। जिले में सुपौल 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तिथि को यहां के 5 विधानसभा क्षेत्र और सिंहेश्वर मधेपुरा जिला में पड़ता है, वहां से काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से अधिक संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जो आखिरी फिगर हम लोग के पास आया है उसके अनुसार पूरे ज़िले में जो वोटिंग परसेंटेज था, VTR वोटर टर्नआउट रेशियो, वो 60.25% था। जो लास्ट फीडबैक है, कई मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदान की प्रक्रिया जारी है, क्योंकि जो भी लोग 6 बजे तक मतदान केंद्र के परिसर में आते हैं वो जब तक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर लें तब तक मतदान जारी रहता है। तो हमें विश्वास है कि आगे 1-2 घंटों तक भी कुछ बूथ पे यह प्रक्रिया चलती रहेगी और ये वोटिंग परसेंटेज अभी 2-3% और ऊपर जाएगा। कमोबेश पूरे दिन में कहीं भी विधि व्यवस्था की कोई समस्या प्रतिवादित नहीं हुई।
शुरुआत में कुछ बूथों पे मॉक पोल के समय ईवीएम को लेकर शिकायत थी। हम लोगों ने रिजर्व ईवीएम सेक्टर के पास दे रखा था, कुछ जोनल दंडाधिकारी थे उनको भी मोबिलाइज किया और कम से कम समय में जहां भी ईवीएम की शिकायत थी उनको दूर किया गया। मतदाताओं की सहूलियत को खासा ध्यान में रखते हुए इस बार 5 मतदान केंद्रों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, जहां अधिक से अधिक संख्या में लोग पार्टिसिपेट किए और अपने मताधिकार का प्रयोग किए। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र को केवल महिलाओं के द्वारा संचालित किया गया था, वहां सभी मतदान कर्मी भी महिलाएं थीं, वहां पुलिस कर्मी भी महिलाएं थीं और वहां पर भी जो ओवरऑल मतदान का प्रतिशत रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। तो एक अच्छे शांतिपूर्वक तरीके से अधिक संख्या में लोगों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हम लोग पीछे कई दिनों से इसके लिए तैयारी किए थे। हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान जो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में बनाया गया था उसको बखूबी हम लोगों ने धरातल पर उतारा, किस तरह से बलों का उपयोग हो, अधिकतम उपयोग हो, साथ ही जो हमारा जो अन्य रिसोर्स है उसका कैसे हम बेहतर उपयोग कर सकें। बूथों का हम लोगों ने वेरिफिकेशन, जो ग्राउंड वेरिफिकेशन होता है बिल्डिंग्स का, बूथों का, इसका अच्छी से अच्छी तरह से जो हमारे अंचलाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं, SDO हैं, SDPO हैं, इन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत किया और चिन्हित किया कि कौन कौन से ऐसे बूथ हैं जहाँ पर की समस्या हो सकती है। उसके बाद हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान में उन सारे क्रिटिकल बूथ्स जो हैं उन पर हम लोगों ने ध्यान दिया और अधिक से अधिक हम लोगों ने पारा मिलिट्री फोर्स और BMP के जवान थे उन पर लगाया और उसी का नतीजा है कि आज जो है कि काफ़ी शांतिपूर्ण रूप से, जैसा कि आप लोग सभी कह रहे हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से सुपौल लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान संपन्न हुआ। इसके लिए हम तमाम जो पुलिसकर्मी हमारे जो बाहर के जिलों से यहाँ आए हैं और विभिन्न संगठनों से यहाँ पर आए हैं, ये सभी बधाई के पात्र हैं। तो आपने सुपौल के जिला पदाधिकारी से तमाम जानकारी ली, खासकर उस वक्त मौजूद थे आरक्षी अधीक्षक सुपौल के, उन्होंने भी बताया कि पूरी अच्छी से चुनाव यहां पर संपन्न किया गया। और तमाम दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे जो अभी अभी कोशी आलोक को ज्वाइन किए हैं, देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपने चैनल को कोशी आलोक न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं और हर खबर को सबसे पहले पाएं।